हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को एक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। बिल्कुल नए लेवल की एनर्जी के साथ। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, टेंशन मत लेना, लेकिन जितना भी लंबा वीडियो बनेगा बैठ के आराम से देखना, पूरा देखना, काफी सारा नॉलेज मिलेगा आज वीडियो के अंदर। यदि तुम बैठे हुए रहते हो तो मैं बताता हूँ, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा आपको, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है बंटवारा। एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे और एक बार में पूरा बता देंगे कि सेमीकंडक्टर में जड़ कहां से और पूरा फैलते फैलते कहां तक जाता है। जैसे वंशावली होता है ना, खतियान समझते हो ना, ओ दादाजी, पुराने दादाजी, पर दादा, फिर दादा, फिर दादा के इतने बेटे, फिर बेटे के, ये सब पूरा वही है सेमीकंडक्टर का। आज पूरा स्टार्टिंग से बता देंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, डेमो के लिए बता देते हैं। इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया है, सेमीकंडक्टर यहां से स्टार्ट होता है। सबसे स्टार्टिंग में दो सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। और फिर एलिमेंटल का दो पार्ट होता है, ठीक है, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। चिंता मत करो, एक एक चीज अभी पूरा डिटेल में बताएंगे, प्रॉमिस करते हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और फिर एक्सट्रिंजिक का दो होता है, पी टाइप और एन टाइप, और आगे जाके ये दोनों मिलके पीएन जंक्शन बनाता है, फिर पीएन जंक्शन डायोड बनता है, और उसके बाद ये चैनल आगे बढ़ते जाता है, और उसके बाद ये यूनिट भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में सबको पता है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर दो। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जिसका रेसिस्टिविटी लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। दो एग्जांपल दे दो सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर में होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो वर्ड बहुत कुछ बताता है, एलिमेंटल ऐसा सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट के फॉर्म में रहता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहता है, उसे कहा जाए एलिमेंट, मतलब समझ में आता है ना, तत्व। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। जैसा कि आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, और ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 4A में मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये है क्या, आखिर ये है क्या, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वो होते हैं कि, मतलब कहने का मेरा है आपसे कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट आर कॉल्ड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होंगे? तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, कंपाउंड के फॉर्म में हो, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कितना आसान है, जैसे तुम लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, तत्व यौगिक एवं मिश्रण। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट, व्हाट इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर? तो दोज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच हैव मोर देन वन केमिकल एलिमेंट, और ऐसा कह सकते हैं कि कंपाउंड के फॉर्म में जो रहता है, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सब कुछ कुछ एग्जांपल है आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझो कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसमें दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देन दे आर कॉल्ड क्या, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जो अकेले रहेगा दे आर कॉल्ड क्या, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और जो किसी के साथ मिला हुआ रहेगा, जो डबल रहेगा, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, दे आर कॉल्ड क्या, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में हायर क्लासेस में और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लेवल पे बात करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे ज्यादा थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता क्या है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक होगा, एक एलिमेंट होगा, एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम, ग्रुप 4A ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के दो पार्ट, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक, ठीक है। तो छोटा मोटा एग्जांपल दे सकता हूं इसके लिए, यदि आप बोले तो, पूरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन समझदार वाले लोग समझ जाएंगे, ठीक है, पूरा तो नहीं बोलेंगे, बस आपको समझाने के लिए। सिंगल रहेगा अकेले एलिमेंटल, और डबल रहेगा तो क्या, कंपाउंड। बाकी आप समझदार हैं, जिसको समझना होगा वो समझ गया होगा, ठीक है। एलिमेंटल हो
या कंपाउंड हो, ये खुद समझ सकते हो, बाकी एज यू विश। अब एलिमेंटल का भी दो पार्ट, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक मतलब प्योर, एकदम शुद्ध प्योर, और एक्सट्रिंजिक का मतलब हो जाता है इम्प्योर। ठीक है, कुछ ऐसे समझो, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का मतलब इंट्रिंजिक का मतलब एकदम प्योर शुद्ध, और एक्सट्रिंजिक का मतलब हो जाता है इम्प्योर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एकदम जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसे ही कहा जाता है इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर बन जाता है। पहला टॉपिक एकदम ध्यान सुनेगा, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर बन जाता है, बिकॉज उसका जो कंडक्शन बैंड होता है पूरा खाली हो जाता है और वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ रहता है 0 केल्विन। चलो कमेंट करके बताओ इतना बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, चलो बताओ। ओके मत समझना इसको, ओके नहीं है। 0 केल्विन, 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, जल्दी से जल्दी बताओ। 0, ठीक है, इसका आंसर होगा -273। इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, या 273.15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन मतलब इतना कम टेम्परेचर यदि होगा तो आपका प्योर सेमीकंडक्टर विल बी बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। एट लोएस्ट टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर, द प्योर सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज इंसुलेटर। 0 केल्विन पे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे, प्योर सेमीकंडक्टर के बारे। एक बार और हम आपको ये पूरा समझा देना चाहते हैं, ये क्लासिफिकेशन होता कैसा है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। लास्ट वीडियो यदि आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी जाके देख लीजिए। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया सेमीकंडक्टर के बारे, तो सेमीकंडक्टर का दो तरीका होता है, दो में बटेगा, एलिमेंटल और कंपाउंड। और ये एलिमेंटल का दो फॉर्म होता है, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक। ये प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है। और एक्सट्रिंजिक का दो होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग कहां पे हैं, तो अभी हम लोग बात करेंगे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं। प्योर मतलब क्या? प्योर एकदम शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, बिल्कुल जो शुद्ध होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है, उसे ही कहा जाता है इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक सोचने वाला बात है कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस बहुत नीचे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बन जाता है ना, -273 डिग्री सेल्सियस उस पे प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगता है। इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगता है मतलब उससे करंट वरंट पार नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज कंडक्शन बैंड पूरा ऊपर का जो कंडक्शन बैंड है वो पूरा खाली हो जाता है और वैलेंस बैंड पूरा भर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किस समय का कंडीशन, जब 0 केल्विन पे हो, -273 डिग्री सेल्सियस पे हो। तब यदि रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा फोटो बना के आपको समझा देना चाहते हैं कि आखिर 0 केल्विन पे होता क्या है। जैसे मान लीजिए +4, ये वैलेंसी है सेमीकंडक्टर का, वैलेंसी समझ में आता होगा। ठीक है, और यहां पर भी +4 और यहां पर भी +4, ये सब बना रहे हैं एक फोटो कि 0 केल्विन पे किस तरीके से कोई सेमीकंडक्टर बिहेव करता है। तो ये जो +4 हर जगह लिख दिया गया, ये आपको ये जो लिख दिया गया ये सेमीकंडक्टर्स हैं। अब दो सेमीकंडक्टर के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बन गया क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, ये समझ में आ गया। और ये भी इसके साथ आमने सामने है तो बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इधर भी बॉन्ड बनाएगा किसी ना किसी के साथ। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी बनाएगा। तो इसको हम लोग चलिए तुरंत छाप लेते हैं जितना जल्दी हो सकता है। आप चाहे तो अपने कॉपी में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, करेगा कोई नहीं, बिकॉज पता है कॉपी किताब में पास होगा नहीं, और होगा फिर भी नहीं करेगा।
ठीक है, और करेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना था कि आप जो फिगर बनाए थे उसको हम बनाए थे। ये बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्किप मत कर देना, ठीक है। चलो देखो, अभी जित दादी कहीं पे छूटता है तो बता तो नहीं पाओगे, कैसे बताओगे, सामने रहते तो ना। चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, कहीं छूटना नहीं चाहिए। अभी सब जगह हम देखो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, जो डॉट डॉट देख रहे हैं बच्चों, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स है, हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह देने का, कहीं छूटता है तो उसको अंडरस्टूड कर लेना खुद से। ये फोटो बनाया जा रहा है इतना ठंडा जितना सोच भी नहीं सकते हो, -273, ठीक है, -273। चलिए यहाँ छुटा हुआ है ना, चलो ये फोटो हो गया -273, मतलब जब जीरो केल्विन पे रहेगा उस समय का ये आपको फोटो है, ठीक है। जीरो केल्विन पे ये फोटो रहेगा, ये जो +4 लिखा है ये सब आपको सिलिकॉन के एटम्स है या जर्मेनियम के एटम्स है, और एक तरीके से समझो कि जम जाएगा, सीज कर जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा, और फ्लो नहीं कर पाएगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, और कंडक्ट नहीं करेगा तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। यदि इसी को उठा के रूम टेम्परेचर पे ले जाए, चलो कमेंट करके तुरंत बताओ रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, ये बताना पड़ेगा, सब चीज मेरे भरोसे मत रहो। चलो बताओ रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, लास्ट टॉपिक है, बोले थे ना छोटे छोटे टॉपिक में लेंथ बहुत छोटा छोटा रहेगा। चलो जल्दी बताओ तो रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है या कितना केल्विन होता है, जल्दी से जल्दी करके बताओ रूम टेम्परेचर, जनरल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 22 सेकंड का समय दे रहे हैं कमेंट करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 25 डिग्री सेल्सियस, या किसी किसी किताब में 27 भी लिखा रहता है, और 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। तो जब 0 केल्विन से 300 केल्विन तक लगभग बढ़ा देंगे तो उस समय क्या होगा ना, हीट बढ़ेगा, हीट मतलब क्या, गर्मी बढ़ेगा, और गर्मी बढ़ने से जो बॉन्ड जमा हुआ था, जो बॉन्ड ऐसे रहेगा वो धीरे धीरे स्ट्रेच होगा, फैलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, और धीरे धीरे खुलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि टूट जाएगा, और जैसे ही टूट जाएगा, मान लीजिए यहीं से टूट गया तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा तो यहां पर एक खाली जगह बन जाएगा, ये खाली जगह बन जाएगा, और इस खाली जगह का नाम हो जाएगा होल, ठीक है, होल, इसका नेचर हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आपको हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपको हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होल का नेचर होगा पॉजिटिव, जो कि अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स इस ओर यदि मूव करेंगे तो उससे धीरे धीरे इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और वैलेंस बैंड तो भरा हुआ था ही, अब कंडक्शन बैंड भी खाली नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत वो भी भरेगा, और इससे आपको क्या हो जाएगा ना, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बढ़ेगा जीरो केल्विन से, ठीक है। एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों, जैसे ही गर्मी दिया गया तो क्या हुआ बच्चों, जैसे गर्मी गर्म रहता है, जैसे कोई चीज मान लो जम जाता है, जैसे घी ये सब जम जाता है, ठीक है, आप देखते होंगे, तो उसको हम लोग गर्म करते हैं, या कभी नारियल का तेल ये सब जैसे जम जाता है ठंडे के दिनों में, ठीक है, तो उसको देखते होंगे छत उत पे दे देते हैं, या थोड़ा गर्म करने पे फैलता है, ठीक है, और जैसे ही वो फैलेगा तो धीरे धीरे मान लो फैलते फैलते स्ट्रेच हुआ, एक दो बॉन्ड टूट गया, तो जैसे ही टूटा तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर एक खाली जगह बन जाएगा, उस खाली जगह का नाम क्या हो जाएगा, होल, और जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसका नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेचर का होल अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जब इसकी ओर जाएंगे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर जाएंगे तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और जीरो केल्विन से ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, वहां पर इंसुलेटर जैसा शो कर रहा था, और अब ये इंसुलेटर नहीं रहेगा, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत इसका कंडक्टिविटी रहेगा। तो ये जो आपको बोर्ड पे फिगर दिख रहा है ये सेमीकंडक्टर का फोटो है, कब का फोटो है,
एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस एस 298 केल्विन। तो ये फोटो है आपका रूम टेम्परेचर का। यहाँ पर एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि होल क्या होता है। तो होल क्या होता है बच्चों, ये सुन लीजिए, होल का मतलब एक खाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहां से छोड़ के चला जाता है तो ये जो वैकेंट स्पेस बना, इस वैकेंट स्पेस को कहा जाता है होल। और कुछ समझो ऐसे कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन को दिया, तो जो देता है, जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह होल एक दिया, इसलिए होल का नेचर क्या समझो, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक्सट्रिंजिक। नाम में बहुत कुछ है, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग के बारे पढ़ेंगे। डोपिंग एक तरीके से इसको कह सकते हैं नशा जैसा है, बर्बाद कर देता है, लेकिन ये कुछ अलग तरह का है। डोपिंग क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, बार बार बोलने का जैसे जरूरत ना पड़े, और चैनल आपका है, जितना ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और घर पे जब तक है सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिएगा सभी को। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहना, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बाय।